आरिफ के साथ रहने वाला यह पक्षी इन दिनों कहाँ है और इस बेजुबान पक्षी की हालत काफी खराब हो गई और साथ में आरिफ का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। दोस्तों बीते दिनें आपने अमेठी के सारस और इस बाइक सवार की कहानी कई जगहों पर देखे होंगे, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती के किस्से सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरी और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव भी इनसे मिलने गए थे। बताया जाता है कि अखिलेश यादव से मिलने के बाद से ही सारस को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। अभी सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में शिफ्ट करके एक पिंजरे में क्वारंटीन किया गया है, लेकिन जब आरिफ को सारस से मिलने कानपुर चिड़ियाघर गया तो आरिफ को सारस से मिलने नहीं दिया गया और आखिरकार आरिफ को सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपने दोस्त सारस को देख सका। वैसे कौन कौन चाहता है कि आरिफ और सारस फिर से एक साथ रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।